नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों काफी सारी खबरें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं IPL, WPL और तमाम क्रिकेट जगत से। तो दोस्तों बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरा अंत तक, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली जो खबर है वो आ रही है पंजाब किंग्स के लिए। बेसिकली दोस्तों पंजाब के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि जो जॉनी बेयरस्टो है वो IPL 2023 को पूरी तरह से मिस करने वाले हैं। जी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि मैं IPL 2023 मिस करूंगा और अपनी रिकवरी पर फोकस करूंगा। इसके अलावा जो एशेज है उसके ऊपर रिकवर करने के लिए उन्होंने IPL 2023 को स्किप किया है। तो बेसिकली पंजाब को इन्होंने धोखा दिया है और ये धोखा कितना महंगा साबित होता है ये तो दोस्तों देखने वाली बात होगी, क्योंकि IPL का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और महज कुछ ही दिन बीच में रह गए हैं। और ऐसे में दोस्तों एंड मोमेंट पर इस तरह का धोखा जो है वो पंजाब बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, ये तो दोस्तों देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अपडेट जो है वो आ रही है ओपनिंग मैच को लेकर। दोस्तों IPL 2023 का ओपनिंग मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाने वाला है। और दोस्तों 100,000 लोगों की कैपेसिटी वाले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो मतलब फुल टिकट है वो सारे बिक चुके हैं और करीब करीब 100,000 लोग जो है वो इस मैच का लुत्फ उठाने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है राजस्थान रॉयल्स की जर्सी और ट्रेनिंग किट को लेकर। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने भी अपनी जर्सी और ट्रेनिंग किट लॉन्च कर दी है, जिसका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है गुजरात टाइटंस को लेकर। दोस्तों गुजरात टाइटंस के लिए पहले मैच से पहले थोड़ी सी बुरी खबर आई है। बुरी खबर क्या आई है? बुरी खबर ये है कि डेविड मिलर जो है उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो पहला मैच मिस करेंगे। जी हाँ, हमने पहले भी आपको बताया था कि जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं वो मिस करते हुए नजर आएंगे शुरुआती कुछ मैचेस। और दोस्तों यहाँ पर गुजरात का पहला मैच जो है वो चेन्नई से के साथ में, और ऐसे में वो मैच जो है वो मिलर जो है वो मिस करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है दीपक चाहर को लेकर। दोस्तों दीपक चाहर ने धोनी के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे स्क्वाड में से कोई भी ये नहीं चाहता है कि धोनी रिटायर हो, और किसी को भी ये नहीं पता है, किसी ने भी ये नहीं बोला है कि धोनी का ये लास्ट साल होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि धोनी और थोड़ा सा और साल CSK के लिए खेलें और थोड़ा सा और साल IPL में खेलें। हम उनको IPL में खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये काफी अच्छा बयान जो है वो दीपक चाहर ने दिया MS धोनी के ऊपर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लेकर। दोस्तों RCB ने एक सरप्राइज किया है, मतलब अपने फैंस को सरप्राइज किया, और वो सरप्राइज इसलिए किया है क्योंकि सभी टीमों ने अपने प्रैक्टिस कैंप आयोजित कर लिए हैं, जबकि RCB ने अपना प्रैक्टिस कैंप अभी तक आयोजित नहीं किया है। मतलब फुल स्क्वाड के साथ में वो प्रैक्टिस कैंप आयोजित नहीं किया है, जिससे सभी फैंस जो हैं वो थोड़ा सा शॉक्ड हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 26 मार्च को RCB का अनबॉक्स इवेंट है, और यहाँ पर जो आखिरी मैच है ODI ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का, वो भी दोस्तों आज है। तो आज के बाद में एक दो दिन में RCB के जो प्लेयर्स हैं वो पहुंच जाएंगे और प्रैक्टिस कैंप में हिस्सा भी लेने लग जाएंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए दोस्तों बेसिकली एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि ऑबिड मैकॉय जो है वो यहाँ पर रेडी हैं और फुल्ली फिट हैं IPL 2023 के लिए, और राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए फैंस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मुंबई इंडियंस से हार गई RCB, कर दिया बेड़ागर। जी हाँ, WPL की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर WPL में हम ये मतलब अनुमान लगा रहे थे कि RCB अपने बाकी बचे मैच जीत जाएगी, ये समीकरण होना चाहिए, वो समीकरण होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मुंबई के खिलाफ भी RCB ने हार ही मिली है, और हार के साथ उन्होंने अपना WPL सीजन ख़त्म किया। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि 8 मैचों में केवल 2 ही मैच जीत पाए हैं, और इस साल इनका WPL बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। ऐसे में दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो है स्मृति मंधाना को लेकर। दोस्तों स्मृति मंधाना जो है वो मैच हारने के बाद में भावुक नजर आई, जहाँ पर उन्होंने भावुक होते हुए एक बयान दिया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम इस सीज़न को इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम एक शानदार वापसी करेंगे, अगले साल हम एक शानदार वापसी करेंगे और कमबैक करके दिखाएंगे, और जो भी RCB के सपोर्टर्स हैं उन सबको शुक्रिया कि हमको इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। हम मैच हारे लेकिन उसके बावजूद आपने हमको सपोर्ट दिया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो कन्फर्म है कि चाहे RCB वीमेंस हो या फिर RCB मेंस, अभी तक ट्रॉफी का सूखा जो है वो सूखा ही रहेगा। आप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वुमेंस ने तो थोड़ी सी लुटिया डुबो दी है, लेकिन अब मेंस जो है वो क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। और नेक्स्ट और आखिरी अपडेट है माइकल ब्रैसवेल को लेकर। दोस्तों माइकल ब्रैसवेल जो है वो माइक हैसन के साथ में वापस से रीयूनिट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, और उन्होंने बयान दिया है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ RCB से जुड़ने के लिए और RCB की तरफ से अपना जो IPL सीजन है वो खेलने के लिए। दोस्तों
ब्रेसवेल जो है वो एक शानदार ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में नहीं बल्कि इनकी गेंदबाजी जो है वो शानदार है, और यही मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि इनको प्लेइंग 11 में भी जगह मिल जाए। दोस्तों ब्रेसवेल के साथ में क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, जो आरसीबी के तगड़े वाले फैन है, वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आरसीबी की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले देखने को मिले। और दोस्तों अब जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होगा तो आपको खबरों का पिटारा देखने को मिलेगा, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।